हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम आज मैथमेटिक्स फॉर्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज। अतः जिसकी एक कोण सम हो अतः 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, ABC में AB, ABC में ABC में AB बराबर BC, ABC में AB बराबर BC, तो कोण A इक्वल टू कोण C। अगर कोण A और कोण C बराबर होगा तो 45 डिग्री कोण A होगा और 45 डिग्री कोण C होगा, और कोण बी जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई इसका सूत्र है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो चलिए अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो √S(√S)(a)(-b)(-c) इसका सूत्र होगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो, और देखिए जहाँ जहाँ ABC तीन त्रिभुज की भुजाएं एवं त्रिभुज की अर्धपरिमिति हो, जहाँ ABC तीन त्रिभुज की भुजाएं एवं त्रिभुज की अर्ध परिमिति हो तो x(a+b+c)(√2) इसका सूत्र होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज की परिमिति, अब देखते हैं त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है। ABC (a+b+c) त्रिभुज की परिमिति बराबर (a+b+c) जहाँ AB त्रिभुज की भुजाएं हो, जहाँ AB त्रिभुज की भुजाएं हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालना हो तो क्या सूत्र लगाएंगे। 3 × भुजा। अगर समबाहु त्रिभुज की परिमिति हमें निकालना हो तो मुझे क्या लिखना होगा, 3 × भुजा इसका सूत्र है, 3 × भुजा। अब बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 √√ 1/2 √√ 1/2 इसका सूत्र होगा। अगर मान लीजिए कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज जिसके आमने सामने की दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो कर्ण में हो, लेकिन वह कर्ण में हो तो इसका सूत्र होगा 1/2 √√ 2 या फिर 1/4 √√ 2। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना हो, यानी जिसकी आमने सामने की दो भुजा बराबर हो, ये मुझे निकालना हो ये, तो मैं सूत्र लगाऊंगा √√2 + √√2 × 1 भुजा या फिर √√2 तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 8वां देखते हैं। यदि त्रिभुज के आधार को x गुना तथा ऊंचाई को y गुना किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल xy गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 9वां। 9वां कह रहा है किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को k गुणित करने पर परिमिति k गुणित हो जाती है।
किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को के गुणित करने पर क्षेत्रफल के स्क्वायर गुणित हो जाती है। ये तीनों फैक्ट हैं, ये सूत्र नहीं है, एक फैक्ट है। अब दसवां देखते हैं, एक ही प्रकार पर बने और बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की ऊंचाई भी बराबर होती है। एक ही प्रकार पर बने और बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की ऊंचाई भी बराबर होती है। तो चलिए ये वाला भी सूत्र हम लोग देख लेते हैं। इस सूत्र में कह रहा है एबीसी समकोण त्रिभुज में, एबीसी एक तल समकोण त्रिभुज में लागू होगा। एबीसी समकोण त्रिभुज में अगर ए सी स्क्वायर मुझे ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसे कि मुझे ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको ये वाला ज्ञात करना हो, रुक जाइए दोस्तों, ये वाला ज्ञात करना हो, ये वाला, तो आपको क्या लगाना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, या फिर ये भी हो जाएगा, जैसे सी सी के सामने वाली भुजा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए के सामने वाली भुजा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, इसलिए ये लगता है। अगर जब आप इसको तोड़ेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसको जब आप तोड़ेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये दोनों सेम है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, या फिर इसको याद कर सकते हैं। ये जो है इसी पर आधारित है, इसी पर ये वाला भी आधारित है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हमें ए बी स्क्वायर निकालना हो, ए बी स्क्वायर निकालना हो, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ए बी सी, अगर मुझे ए बी स्क्वायर निकालना हो, ये वाला निकालना हो, ए बी स्क्वायर ये वाला निकालना हो, तो इसकी सामने वाली भुजा ए सी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ए बी स्क्वायर निकालना हो तो सामने वाली भुजा बी सी का स्क्वायर ये वाला हो जाएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे, जैसे कि ए बी का स्क्वायर है, रुक जाइए, ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर निकालना हो, और तो उसका सूत्र होगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। जब इसको आप तोड़ेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर बी सी का स्क्वायर आपको निकालना हो, बी सी का स्क्वायर निकालना हो, तो बी सी का स्क्वायर निकालना हो तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे हम ए बी का स्क्वायर निकाल रहे थे, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर निकालना हो तो रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, माइनस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी सी, तो बी सी निकालना हो तो रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग जान गए, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं आयतन, हम लोग आगे त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, अब हम आयतन पढ़ते हैं। आयतन के बारे में कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। आयतन का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आयत पढ़ रहे हैं, अतः रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई, और आयत का परिमिति निकालना हो तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत का विकर्ण निकालना हो, विकर्ण, तो रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसका अगर आयत का विकर्ण निकालना हो तो रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे कि ये आयत है, ये आयत है, आपको अगर ये वाला निकालना हो, ये वाला विकर्ण, इसे विकर्ण कहते हैं, इसको निकालना हो तो रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर सूत्र हम लगाते हैं निकालने के लिए। देखिए, ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ए बराबर
कोण बी, कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री। अतः ये चारों कोण को मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनता है। ए सी बराबर बी सी इक्वल टू विकर्ण। ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, रुक जाइए दोस्तों, ए सी और बी सी बराबर विकर्ण होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी आयतकार मैदान के अंदर किनारे से सटे x चौड़ाई के रास्ते को क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे कि दो आयत है और उसमें एक का मान लीजिए ये वाला रास्ता है, इसको निकालना हो तो उसका सूत्र होता है कि सूत्र होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। अगर ये वाला आपको निकालना हो, दो आयत के बीच आपको रास्ता निकालना हो, तो ये वाला सूत्र का उपयोग करें। पांचवा कह रहा है, आयत का पांचवा कह रहा है, किसी आयतकार मैदान के बाहर किनारे से सटे हुए x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो। किसी आयतकार मैदान के बाहर किनारे से सटे हुए x मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, तो 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 2x, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x का सूत्र को उपयोग करेंगे। यदि किसी आयत और त्रिभुज के आधार और ऊंचाई एक ही हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आयत का क्षेत्रफल होता है, 1/2 आयत का क्षेत्रफल होता है। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं पार्ट 2 करूँगा, अभी इतना सूत्र बाकी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, धन्यवाद।